नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। आइए झारखंड की खबरों पर एक नजर डालते हैं। जमशेदपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राज बिहारी मंदिर कमेटी के द्वारा इस रक्तदान शिविर को आयोजित किया गया। वहीं इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बोकारो में ट्रेड यूनियन कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बता दें कि केंद्र सरकार की मजदूर कर्मचारी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया गया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी काम कर रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बोकारो में सीएए और एनआरसी के समर्थन में जुलूस निकाला गया। बता दें कि बीडीओ ऑफिस के विभिन्न संगठनों की ओर से राष्ट्रवादी नागरिक मंच के बैनर तले सीएए और एनआरसी के समर्थन में जुलूस निकाले गए। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर जुलूस में शामिल हुए, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। बोकारो में स्वदेशी उत्पादों और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वदेश निर्मित सामानों और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में मेले के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए और जन जन तक उनके बनाए उत्पादों को पहुँचाने का काम कर रही है। बोकारो में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक दिवसीय धर्म सभा द्वारा आयोजित किया गया। बता दें कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शंकरानंद नगर के सेक्टर 12 में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करेंगे। कोडरमा में महिला ने अपने बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि यह घटना कोडरमा रेलवे स्टेशन की है, जहां महिला ने अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रेन के सामने खुद गई। वहीं सूचना मिलने पर जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल के भेज दिया है। हालांकि महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जमशेदपुर में पुलिस ने सफेद पत्थर के अवैध खनन पर छापेमारी की। बता दें कि पोटका में बड़े पैमाने पर सफेद पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी को लगातार मिल रही है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी कर 2600 टन सफेद पत्थर का स्टॉक जब्त कर कोतवाली थाना की सुरक्षा में सौंप दिया गया। फिलहाल खबरों बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 111। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।